नमस्कार, मैं डॉक्टर उदय सिंह रसवान, कंसल्टेंट न्यूरो एंड स्पाइन सर्जन, अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट से। आज वर्ल्ड स्पाइन डे, जो कि 16 अक्टूबर को मनाया जा रहा है, उस दिन के बिहाफ पर आपको कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ रिगार्डिंग द स्पाइन पेशेंट्स। अक्सर हमारी ओपनिंग में पेशेंट्स आते हैं जिनको बैक पेन्स होती हैं और जिनको रिपीटेडली बैक पेन हो रही होती है, जिन्हें हम एडवाइस करते हैं कि आप अपनी बैक को जो है उसका केयर करिए, पर वो फिर भी हमारी एडवाइस नहीं मानते हैं, या कहीं और से उन्होंने दिखाया होता है वहाँ से भी उनको ये एडवाइस मिलती है कि बैक की केयर करिए, ठीक है। तो रिपीटेडली एडवाइस फॉलो ना करने की वजह से उनकी पेन्स इतनी बढ़ जाती हैं कि उन्हें कोई प्रोसीजर एडवाइस करने पड़ते हैं। तो ये केयर क्या करनी चाहिए, उसमें ज़रूरी है कि वो जो अपनी बैक को बेंडिंग करना बंद करें, कम से कम नीचे बैठें और थोड़ा सा अपनी रूटीन में एक्सरसाइजेस करना शुरू करें। इसमें एक एडवाइस और भी कॉमन होती है कि आप नीचे से ज़मीन से कोई वजन उठाएं तो उससे आपकी बैक पे स्ट्रेन पड़ेगा, तो ऐसा ना करें। बॉडी के क्लोज कोई वेट रख के, अप टू द कोई 5 किलो 6 किलो तक का वेट आप बॉडी के क्लोज रख के उठा सकते हैं, पर नीचे से फॉरवर्ड बेंड होके उठाना सख्त मना रहता है। पर फिर भी हमारे पेशेंट्स ये एडवाइस स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाते, कहीं उनका वर्क उन्हें फॉलो नहीं करने देता, उनका जो वर्क पे हमें काम करना है उसमें ये सब इन्वॉल्व होता है, या स्पेशली जो घर पे लेडीज़ हैं वो भी ये रूटीन फॉलो नहीं कर पाती हैं। तो इससे क्या होता है कि बार बार उनकी जो बैक पेन्स हैं वो होती रहती हैं, बार बार दे हैव टू रिपीटेडली उनको पेन किलर्स खाने पड़ते हैं, और इससे उनके मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ता है। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप डॉक्टर्स की जो ये एडवाइस है इसको अपनी लाइफस्टाइल में लाइए और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, नहीं तो बार बार बैक पे स्ट्रेस डालने से कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़्यादा खड़ी हो जाएगी, जैसे कि ये ऐसा बैक पेन जो कि दवाइयों से भी ना जाए, टीकों से भी ना जाए, और कई बार टांगों में सुनपना आ जाना, टांगों में दर्द आ जाना, चलने में मुश्किल आ जाना, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन होती है, और जब ये रिपीटेडली बैक पेन्स, नंबनेस, जब ये टांगों में आनी शुरू हो जाती है तो कई बार वीकनेस भी आनी शुरू हो जाती है, हमारी टांगें कमज़ोर पड़नी शुरू हो जाती हैं, बाजू कमज़ोर पड़नी शुरू हो जाती है, जिस हालत में हम फिर उन्हें ऑपरेशन के लिए एडवाइस करते हैं। तो ये जब बैक पेन है या कमर में दर्द सता रही है, चाहे वो गर्दन में है या नीचे कमर के बीच के हिस्से में या नीचे के हिस्से में है, तो उसमें कुछ प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि ब्लॉक्स लगाना, जिसमें हम नर्व ब्लॉक्स लगाते हैं या एपिड्यूरल ब्लॉक्स लगाते हैं। तो ये ब्लॉक्स लगाने से खाली पेन को हम थोड़े टाइम के लिए ख़त्म कर लेते हैं, पर ये अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है। अल्टीमेट सोल्यूशन है कि अपनी एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट करें, अपनी बैक की प्रॉपर फिजियोथेरेपी से एक्सरसाइजेस कराइए, ठीक है, और राइट कंसल्टेशन लीजिए। और जो एडवाइस डॉक्टर्स दें आपको कि भई आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है एंड यू नीड सर्जरी फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, जो कि रेंज करती हैं एक छोटे दूरबीन वाले ऑपरेशन से लेकर कुछ बैक के बड़े ऑपरेशन तक, तो ये सब भी आपको फॉलो करने चाहिए सो दैट टाइमली इलाज मिले स्पाइन के लिए और उसका आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। क्योंकि जब आपकी ऑपरेशन तक बात आ जाती है और आप उसे इग्नोर करते हो तो कुछ ना कुछ पावर जो है टांगों में या बाजू में कम हो जाती है, और लेट ऑपरेशन कराने से उसका बेनिफिट भी इनकम्प्लीट मिलता है। तो इस वर्ल्ड स्पाइन डे पे मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूँगा कि आप लोगों को, किसी को भी कोई ऐसी समस्या है और वो हमसे कैन स्टीली talk to us and get benefited. Thank you.